खबर यूपी के लखनऊ से, जहां पर केयर पॉलिटेक्निक पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने हॉस्पिटल संचालक और अस्पताल पर कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है। उसके बाद में कहीं कि 2 बजे तक का डिलीवरी हो जाएगी, जो 2 बजे तो कहीं 3 बजे तक का डिलीवरी होएगा। जब 3 बजे तो 2 बजे लड़के के गए हुआ अंदर 2 घंटा रखे, जब डिलीवरी मतलब सब पूरा एकदम क्लियर होएगा, सब पूरा बच्चा एकदम बाहर आ गया, हाथ खोस खोस इतने इतने हाथ खोस खोस के पूरा बच्चा मतलब जब बाहर आवे वाला एकदम पकड़े वाला होएगा, तो जवाब दे दिन कहीं अब इनको ले जाओ ऑपरेशन कराओ जाओ संजीवनी में। तो हम लोग कहे कि दीदी हियाँ पे खून जो मंगाया था वो खून चढ़ा दियो और हम हियाँ डिलीवरी करा लो, तो कहीं हियाँ डिलीवरी ना होगा। अब कहीं कि 4 बोतल खून कहाँ से लाओगे तुम, कितना पैसा कहाँ से आओगे। तो हम आज जोर हम कहे दीदी पूरा पैसा हम लोग लगा देंगे, खून मंगा लेंगे चढ़ा दो, तो कहीं ना हियाँ पे ना होएगा डिलीवरी। और हचक हचक